प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले कई महीनों से हम रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज उसके 15वें अध्याय को खोल लें, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय। कुल मिलाकर 16 अध्याय हैं और हम लगभग इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में लगभग पहुंच चुके हैं। 15 और 16 के साथ साथ ये अध्ययन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रभु ने मदद की तो हम एक नया विषय लेंगे। पिछले हफ्ते प्रभु के वचन से हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी थी और वो बात ये थी कि जब पापी और अभागे हम लोगों को प्रभु ने अपनी दया और करुणा दिखाकर एक नया जीवन दिया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कभी भी दूसरों के विरुद्ध कोई कार्य ना करें। हम सब इस बात को जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमारा जिनसे कोई व्यवहार नहीं, वो लोग हमारी बुराई करते हैं। नौकरी के मामले में तो हमको मालूम है कि यदि 10 लोगों को नौकरी चाहिए तो 5 से ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं होती है, और इसलिए हर कोई चाहता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, और इसलिए जो अच्छी नौकरी कर रहा है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ बुराई करके उसकी ज़बरदस्ती गलती निकाल के उसको हटाकर लोग उसकी जगह पर नौकरी करने की कोशिश करते हैं। ये सब जगह होता है, लेकिन प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि संसार के लोग भले ही इस तरह के कार्य करें, प्रभु के बच्चों को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, प्रभु के बच्चों को इस तरह के कार्य में नहीं पड़ना चाहिए। इसका कारण क्या है कि मेरा और आपका जीवन प्रभु के नियंत्रण में है। मुझे जो भलाई मिलनी है वो प्रभु मुझे देंगे, मुझे उसके लिए सब कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध बुराई करता है, प्रभु देख रहे हैं और प्रभु इस बात को जान रहे हैं कि मेरा बच्चा फलाना व्यक्ति जो हर तरह से कठोर परिश्रम कर रहा है, हर तरह से मेहनत कर रहा है और जो हर तरह से अपने जीवन में विश्वस्त है, उसके विरुद्ध लोग कार्य कर रहे हैं, तो इस विश्व के निर्माता, इस विश्व के सृष्टा जब देखते हैं कि उनके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो जब जरूरी है उस समय सृष्टा एक्शन लेते हैं। मैं और आप नहीं जानते कि मेरे और आपके सृष्टिकर्ता किस तरह से ये कार्य करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, करते हैं। प्रभु के वचन में हम इस तरह के बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं जहां निर्दोष लोगों के विरुद्ध लोगों ने कार्य किया और वो निर्दोष व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। सबसे अच्छा उदाहरण है याकूब नामक व्यक्ति के 12 बच्चे थे, उसमें 11वां बेटा जो देखने में भी बड़ा आकर्षक था, स्वभाव से भी बहुत अच्छा था, वो अपने भाइयों की गलतियाँ या भाई लोग जो गलत कार्य करते थे वो अपने पिताजी को बता दिया करता था। इसके कारण उसके भाइयों ने क्या किया, उसको पकड़ के पहले तो गड्ढे में डाल दिया, सोचा कि कोई जानवर इसको खा जाए या वहाँ भूखा प्यासा पड़ा रह के मर जाए। बाद में लेकिन उनमें से एक दो भाइयों को लगा कि भैया है तो अपना ही खून,
काहे को जबरदस्ती खून करते हो, काहे को हत्या का पाप लेते हो, इसलिए उसको गुलामी के में, जो उस जमाने में बहुत लोग होते थे जो गुलामों का कारोबार करते थे, तो उनको देखा तो इसको पकड़ के बांध के उनके हाथ में बेच दिया। उस महान व्यक्ति के जीवन चरित्र को हम सब जानते हैं। यहाँ इस सभा में, इस सत्संग में मैंने यूसुफ नाम के उस जवान के साथ जो हुआ था वो घटना आपको सुनाई थी। आपको याद है उसके भाइयों ने उसके साथ इतना अत्याचार किया, लेकिन प्रभु उस बालक के या उस युवा के साथ था, और किस तरह से वो युवा मिस्र देश में जाकर एक गुलाम के रूप में रहा, और चूंकि वो सारा कार्य ईमानदारी से करता था इसलिए उसके ऊपर गलत आरोप लगाया गया। आरोप इसलिए लगाया गया कि वो जो करता था वो सही था, गलत कार्य के लिए नहीं, वो बिल्कुल सही करता था। सही कार्य करने के बाद उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु का समय आया तो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देश था मिस्र, जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं। वो इजिप्ट का महामंत्री बन गया। ये महामंत्री कौन होता है? एक राजा के सिपाही, सेनापति, तमाम सारे मंत्री होते हैं, लेकिन इनमें जो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है वो महामंत्री होता है। सारे मिस्र देश में सिर्फ एक व्यक्ति था जो यूसुफ से बड़ा था। वो कौन? मिस्र का जो शाहनशाह था। शाहनशाह ने बाकी सारे अधिकार यूसुफ को दे दिए। देखिए, उस घटना से लगभग 14 से 14-15 या मैंने हिसाब नहीं लगाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल पहले उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया था। उसको पहले तो मरने के लिए छोड़ दिया था, बाद में उसे मारने के बदले गुलामी में बेच दिया, वहाँ जाके मर खप जाएगा यह सोचा। लेकिन 20 साल के बाद जिस देश में उसको गुलाम के रूप में भेजा गया था वो उस देश का महामंत्री बन जाता है। ना केवल उस देश का महामंत्री बन जाता है, उस देश में हर प्रकार की उन्नति का कारण बन गया। उस देश में भयानक 7 साल के लिए भयानक अकाल पड़ा, लेकिन इस यूसुफ को प्रभु ने जो बुद्धि और जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के कारण अकाल के पहले के 7 सालों में उसने बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस बनवाए। आज हम जानते हैं सारे हिंदुस्तान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अति विशाल गोदाम हैं। ये आइडिया कोई नया नहीं है। आज से लगभग ये समझ लीजिए 4,000 साल पहले यूसुफ नाम के उस जवान ने बड़े बड़े गोदाम बनवाए। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने उसको बुद्धि दी, प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, प्रभु ने उसको सुरक्षा दी, और प्रभु ने उसको अधिकार प्रदान किए जिसके द्वारा वो अपने आप को और सारे मिस्र देश के लोगों को बचा सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस अध्याय से हम प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं उसको देखने से पहले उसकी भूमिका के रूप में आज मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं और आप जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम सामान्य लोग नहीं हैं, आम आदमी नहीं हैं। हम इस पूरे लगभग असीमित विश्व के रचयिता, विश्व के सृष्टा के बच्चे हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। और वो सृष्टा जिन्होंने हमारी सृष्टि की है उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। हमारे सृष्टिकर्ता जिस तरह से मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं वो हम सोच नहीं सकते। माँ बाप बच्चों से किस तरह से प्रेम करते हैं ये हम जानते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों से अपने प्रेम के कारण जरूरी हुआ तो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए, उनको जीवन दान देने के लिए, अपने जीवन की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं,
तो इस पूरे विश्व के, जैसा मैंने कहा, लगभग असीमित विश्व के सृष्टिकर्ता प्रभु जब मुझसे और आपसे अपने बच्चे के समान प्रेम करते हैं, तब हमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मेरे और आपके जीवन में हमारी जो जरूरत है वो प्रभु जानते हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयां हैं, प्रभु से जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे और आपके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, मुझे आपको यदि कोई व्यक्ति धोखा दे रहा है, मुझे और आपको यदि कोई व्यक्ति नीचा दिखा रहा है, तो प्रभु उसे देख रहे हैं और समय आने पर प्रभु कार्यवाही करेंगे। मैंने एक वाक्य, एक शब्द का प्रयोग किया था, समय आने पर। उसके पीछे कारण है, हर चीज के पीछे प्रभु का अपना समय होता है, प्रभु का अपना टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल तक इंतजार करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खाना पकाते समय हर चीज़ का अपना समय होता है। मैं तो भैया खाना वाना पकाना नहीं जानता, लेकिन चाय अच्छी बना लेता हूँ, वो भी उत्तर भारतीय अदरक की चाय। तो जम के अदरक छील के कूट के जब पानी में डालते हैं, तो उसका एक समय होता है, उसका एक तरीका होता है। उस समय तक वेट करना जरूरी होता है। जो लोग नहीं जानते, वो बगल में खड़े होके, अरे चाय की पत्ती डाल दो ना, चाय की पत्ती डाल दो ना, काहे को इंतजार कर रहे हो। उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं समय के इंतजार में हूँ, क्योंकि उसको बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे मालूम है कितना समय वेट करना है। इस पूरे विश्व के निर्माता या सृष्टा, कई बार मेरे और आपके जीवन में जब अन्याय होता है, जब दूसरे धोखा देते हैं, तब मेरी और आपकी इच्छा होती है कि प्रभु तुरंत, प्रभु कुछ कीजिए, कार्यवाही कीजिए। प्रभु थोड़ा सा इंतजार करते हैं, क्यों? इसलिए कि जब एक चाय बनाने वाला जानता है कि उसके लिए एक समय है, उस समय तक इंतजार करना है, तो जिस प्रभु ने इस पूरे विश्व की रचना की है, उस प्रभु से ज्यादा कौन जानता है कि समय सही है या अभी समय नहीं हुआ है, मैं और आप नहीं जानते। इसलिए जब भी मेरे आपके जीवन में कोई जरूरत होती है या मेरे आपके जीवन में कोई परेशानी होती है, तो वो परेशानी प्रभु देख रहे हैं। इसके बावजूद हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम प्रभु के हाथों सौंप दे कि हे प्रभु, आप जानते हैं ये क्या हो रहा है, मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, और आपका जो समय है उस समय तक मैं इंतजार करूँगा। ये पिछले हफ्ते हमने जो देखा था, उससे उसमें कुछ बाकी बातें बच गई थी जो आज मैंने आपको बताई। आज 15वें अध्याय में हम उसके पहले ही पद में पढ़ते हैं, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। एक बात बताइए, यदि आप अपने घर में मुझे खाने के लिए बुलाते हैं, और यदि आपको लगता है कि शास्त्री सर आ रहे हैं, इसलिए टेबल अच्छी तरह से जमाओ, अपने पास जो सबसे कीमती कपड़ा है उसको टेबल पर डालो, अपने पास जो सबसे कीमती प्लेट है, कांच के प्लेट हैं, उसको जमाओ, सबसे अच्छे ग्लास, जो महंगे वाले ग्लास हैं, उसको सामने रखो, और यदि मान लीजिए आपने सारी व्यवस्था कर दी और खाने के लिए आके मैं बैठा, बैठते ही लापरवाही के कारण मेरा हाथ टकराया और आपका जो कीमती ग्लास था वो जमीन पर गिरकर आपके सामने चकनाचूर हो गया, आपके साथ क्या होगा? यदि आपकी जगह मैं होता, तो मेरे तो दिल के हजार टुकड़े हो गए होते कि आय हाय हाय, मेरा जो प्रिय ग्लास था, आज देखो शास्त्री सर ने उसकी क्या हालत कर दी। और उसके बाद यदि मैं लापरवाही से बैठकर वो प्लेट, मान लीजिए ऐसे बैठा हूँ और अचानक फ़ोन आया, मैं आपसे, अरे वो फ़ोन आया है, ये कहने के बदले
हाथ रखा हुआ है, हाथ से मैं टेबल पे ही यूं कर देता हूँ कि अरे वो फोन आया है, और वो जो आपका कीमती बर्तन था वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है, तो आपके दिल के अगले 1000 टुकड़े हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरी जगह आपका बच्चा जो 2 साल का है वो टेबल पर बैठा है, और उस बच्चे के लिए उपयुक्त खाना आपने टेबल पर रखा है, खाने के साथ साथ वो बच्चा यदि 1 चम्मच खा रहा है तो 4 चम्मच टेबल पर फैलाता जा रहा है, आप उसे डांटेंगे या नहीं डांटेंगे? नहीं डांटेंगे। 2 साल का बच्चा है, उसे नहीं डांटेंगे। क्यों? अरे 2 साल का बच्चा 20 साल के आदमी के समान थोड़ी खाएगा, वो तो 2 साल वाले के हम के समान ही खाएगा। कल 3 साल का हो जाएगा, थोड़ा सा और बेटर अपने हाथों को कंट्रोल करेगा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक प्रॉपरली वो जिस तरह से दूसरे लोग प्लेट को हैंडल करते हैं उस तरह से वो नहीं कर पाएगा। बच्चे खाना खाते हैं, खाना भी फैलाते हैं, पानी भी फैला देते हैं, और जो पीने की जो चीज़ें हैं यदि खीर सामने रखो तो खीर भी फैला देते हैं, चम्मच कई बार ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो हर बात पे माँ बाप उसको थप्पड़ लगाते हैं क्या? 2 साल का बच्चा यदि खाना फैला दे कि अरे तूने क्या किया कह के पहला थप्पड़, दूसरा चम्मच उसका फिर खाना गिरा तो दूसरा थप्पड़, ऐसा कोई करता है क्या? जी नहीं। 2 साल के बच्चे को ट्रेनिंग नहीं है, वो कमज़ोर है, उसके हाथ एक बड़े व्यक्ति के समान वो नियंत्रित नहीं कर पाता है, और इस कारण वो मेरे आपकी तुलना में कमज़ोर है। अब वो 2 साल का बच्चा जब 60 साल का हो जाता है या 70 साल का हो जाता है, और जब आप 90 साल के हो जाते हैं, जब आपका सारा नियंत्रण खत्म हो जाता है और आप यूँ हिलते सर और हिलते हाथ के साथ साथ खाना खाते हैं, होता है हर घर में होता है, और इस तरह से खाते समय मान लीजिए आपके हाथ से खाना टेबल के बाहर गिर जाता है, तो बच्चा आके आपको 2 थप्पड़ देता है क्या कि डैडी ये क्या हो रहा है, ये खाना बाहर कैसे गिर रहा है? मारेगा या नहीं मारेगा? कभी थप्पड़ नहीं मारेगा। क्यों? अब वो आपका बच्चा जो कल 2 साल का था और जो टेबल पर फैला रहा था उसको आपने सहा, इसलिए कि आपको मालूम है कि 2 साल के बच्चे के हाथ में नियंत्रण नहीं है, वो कमज़ोर है। कल को जब आप 90 साल के हो जाएंगे, जब आपका सर आपके नियंत्रण में नहीं होगा, जब आपके हाथ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, और जब खाना खाते समय इस तरह से कांपते हुए हाथों से जब आप खाना खाते हैं और खाना यदि टेबल पर गिर जाएगा तो आपका बच्चा आपको झापड़ थोड़ी मारेगा, बल्कि उसको लगेगा कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए और डैडी को भूखा ना रह जाना पड़े, माँ को भूखा ना रह जाना पड़े, इसलिए वो आकर बाकायदा अपने हाथ में चम्मच लेकर खाना लेके आपको डायरेक्टली खिलाता है। क्यों? इसलिए कि आप कमज़ोर हैं। प्रभु का वचन यही तो कहता है कि हम जो बलवान हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कमज़ोर लोगों की कमज़ोरी को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। उसका क्या मतलब है अपने आप को प्रसन्न ना करें? देखिए, एक बच्चा या बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति टेबल पर बैठकर खाना खाए और सारे टेबल पर खाना फैला दे तो टेबल गंदा हो जाता है, और उसके बाद टेबल पर जो कपड़ा पड़ा है उसको साफ़ करना होगा, सारे बर्तन साफ़ करने होंगे, और कपड़े पे यदि निशान पड़ जाते हैं तो कई बार निशान साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कपड़ा साफ़ रहे, कपड़े पे दाग धब्बे ना पड़ें। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि उस व्यक्ति की कमज़ोरी को सहते समय हम सिर्फ अपनी सुविधा ना देखें, हम सिर्फ ये ना देखें कि कपड़ा गंदा ना हो जाए, कपड़ा ख़राब ना हो जाए, हम इस बात को भी याद रखें कि वो व्यक्ति कमज़ोर है, और वो व्यक्ति कमज़ोर है इस कारण उस व्यक्ति को हमारा सपोर्ट चाहिए।
हमारी मदद चाहिए। आत्मिक जीवन के बारे में या आत्मिक जीवन में इसका एप्लीकेशन क्या है, ये बात मैं आपको बताऊं। हम में से हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में अलग अलग अवस्था में है। इस मंडली में ही इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को सिर्फ कुछ महीने पहले ग्रहण किया है। वे लोग आत्मिक जीवन में शिशु हैं। मैंने आज से लगभग 60 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया था। पिछले 60 साल से मैं नया जीवन प्राप्त व्यक्ति हूँ। एग्जैक्टली कहा जाए तो 58 साल से, 58 साल से। तो 58 साल प्रभु में रहने के कारण मेरे जीवन में जो विकास हुआ है, यदि मैं ये सोचूं कि कल को जिसने प्रभु को ग्रहण किया है वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में उतना बढ़ जाए, ये असंभव बात है। मान लीजिए कि आपका 5 साल का बच्चा है, वो खेल रहा है, आप 30 साल के हैं और बाकायदा व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम करने के लिए आपने एक हाथ में 5 किलो का वेट लिया, दूसरे हाथ में 5 किलो का वेट लिया और आप बाकायदा खड़े होकर अभ्यास कर रहे हैं, और आपका 5 साल का बच्चा मचल जाता है कि डैडी मैं भी करूँगा, तो क्या आप 5-5 किलो के वो वजन अपने बच्चे के हाथ में दे देंगे क्या? अरे वो 5 साल का है, वो 5 किलो का एक वजन नहीं उठा सकता, और आप 2-2 वजन उसके हाथ में दे देंगे क्या? नहीं। जब बच्चा मचल जाता है तो हम बच्चे को डांटते नहीं हैं, बल्कि बच्चे को ये समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वजन ज़्यादा है, और इसलिए हम दोनों वजन रख के उससे कहते हैं कि जरा उठा। और जब वो उठाने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है कि ये वजन मेरे लिए बहुत भारी है, तब आप उसको बताते हैं, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम जब डैडी के समान बड़े हो जाओगे तो ये वजन उठाने लगोगे। लेकिन ऐसा कोई पिता है क्या जो बच्चे से नाराज हो जाए, क्यों नहीं उठा पा रहे? मान लीजिए वो व्यायाम कर रहा है, उसके बाद बच्चे से कहता उठा, 5 साल का बच्चा क्या उठाएगा उसको? 5 साल का वो बच्चा आके उसको एक वजन को उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा पाएगा, आप तुरंत उससे नाराज हो जाएंगे क्या? अरे तू नालायक है, तुझसे तो ये वजन ही नहीं उठाया जा रहा। जी नहीं, जी नहीं। हम में से हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारा विकास कितना हुआ है, हमारी उम्र कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, और उसको मन में रखकर हम कमज़ोर लोगों की कमजोरियों को सह लेते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं, हम में से हर व्यक्ति आत्मिक जीवन के अलग अलग लेवल पर है, और इसलिए जो व्यक्ति आत्मिक जीवन में काफ़ी उन्नति कर गया, ये उसके लिए ज़रूरी है कि जिन्होंने उसके समान उन्नति नहीं की है उन लोगों के साथ बहुत ही सहनशीलता के साथ व्यवहार करें, उन लोगों के साथ बहुत ही दया के साथ व्यवहार करें, क्योंकि उनके जीवन में यदि कोई कमी या घटी आती है तो वो कमी या घटी इसलिए है कि वो मेरे समान वो आत्मिक जीवन में अभी नहीं बढ़ा है। ये है जो प्रभु का वचन कह रहा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। मतलब हम जो ताकतवर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग कमज़ोर हैं उनकी कमजोरियों को सहे। हम अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें, वो कमज़ोर है उसकी मदद करने की कोशिश करें। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक 2 साल के बच्चे को जब आप चम्मच से खाना खिलाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत खाना आपके ऊपर भी गिरे। वो बच्चा ये नहीं जानता कि खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, और जब उसके मुंह में खाना है उस समय यदि उसको एकदम से छींक आ जाती है तो उसके मुंह में जितना भी माल है वो सब कहाँ गिरेगा? आपके पेट पर या आपके कपड़े पर गिरेगा। तो इसलिए मेरे कपड़े पर गिरेगा ये सोच के मैं उसको खिलाऊं ही नहीं, गलत बात है। उसी तरह से जब हम अपने बुजुर्ग बा या बाप को खिलाते हैं तो इस बात की संभावना है कि उनको छींक आए और वो सारा खाना हमारे ऊपर गिरे। प्रभु का वचन याद दिलाता है,
जो जीवन में मजबूत है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं बस अपने अपने आप को प्रसन्न करूं, नहीं, मेरा नजरिया ये होना चाहिए कि मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया है, मैं अपने आत्मिक जीवन में इतना बढ़ गया हूँ और इस कारण अब अपने स्वार्थ को देखने के बदले मैं जाकर अपने भाई या अपने बहन की मदद करूँ, उसके कारण हो सकता है मुझे परेशानी हो, मुझे दुख हो, दर्द हो सकता है मेरा समय उसमें जाए, लेकिन जाकर मदद करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने, जैसा मैं कई बार आपको याद दिलाता हूँ, मैंने भी दो बच्चे पाले हैं, दोनों की शादी हो गई है, दोनों अपने पैर पर लग गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल जब मैं अपने जीवन की कठिन परिस्थिति से होकर गुजरा तब मैंने रिजल्ट देखा कि आपने बच्चे के जीवन में जो निवेश किया है वो किस तरह से आपको वापस मिलता है। मैंने बात आपको बताई थी कि सन 2017 में 3 बार मेरी सर्जरी हुई थी, उसमें से 2 सर्जरी ऐसी थी जिसमें मैं बिल्कुल असहाय हो गया था और ये जरूरी था कि 2400 घंटे कोई व्यक्ति मुझ पर नज़र रखे। इतना ही नहीं, हर घंटे 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 मुझे बुलाकर पानी पिलाए। मैं तो नशे में था, वो सर्जरी के लिए जो करते हैं उसका, तो मैं घंटे घंटे तो जाग नहीं सकता, मैं तो पूरे समय बेहोश था, लेकिन मेरा बेटा पूरे समय ये किताब लेके कुर्सी पे बैठ के पढ़ता रहा, रात को भी, और घंटे घंटे मुझे बुलाकर उसने पानी पिलाया। कंडीशन ये था, एक बार पानी, एक बार नमक डाला हुआ नींबू का रस, फिर पानी, फिर नमक, इस तरह पिलाया उसने। आजकल मेरी बिटिया घर पे है, कमजोर है, लेकिन कई बार जब माँ घर से बाहर चली जाती है तो बिटिया इस बात को जानती हैं कि डैडी तो किचन के बारे में कुछ नहीं जानते, बस चाय बनाना जानते हैं। कई बार जब खाने का समय होता है तब वो कहती है, डैडी आप परेशान मत हो जाइए, आप काहे को परेशान होते हैं, मैं प्लेट, खाना, बर्तन, चम्मच, पानी सब उठा के टेबल पर रख दूंगी, उसके बाद आपको बुला लूंगी। तो मैंने अपने जीवन में आज से पिछले 30 और 35 साल के बीच में अपने बच्चों को पालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था आज मुझे उसका परिणाम मिल रहा है। और मुझे अब इस बात का यकीन है कि कल को यदि मैं शरीर में कमज़ोर हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे निश्चित रूप से मदद के लिए मेरे पास आएंगे। प्रभु के बच्चे, मैं और आप, प्रभु ने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूर्ण करेंगे तो प्रभु उसको देखेंगे और प्रभु उसका फल मुझे और आपको देखेंगे देंगे। देखिए 13वें पद में हम पढ़ते हैं, 13वें पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, मतलब प्रभु जो हमको जीवन में आशा देते हैं, जो हमको जीवन में उम्मीद देते हैं, वे तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परिपूर्ण करे का क्या मतलब है, पहले हम उसको जरा देख लें। आप जानते हैं, किसी से कहे कि भैया शादी में, मान लीजिए आप जाते हैं, आपको खीर बहुत पसंद है और आपने कटोरी उठाई जो खीर परोस रहा है उससे कहें कि भैया जरा खीर डाल दो इसमें, और यदि वो कंजूस हो वो क्या करेगा, 2 चम्मच खीर उसमें डाल देगा। आपको चाहिए कटोरी भर खीर, आपको चाहिए ग्लास भर खीर, वो डाल रहा है 2 चम्मच, आप उससे क्या कहते हैं, अरे भैया डालो जरा आराम से, तबीयत से इसको भर के डालो। ये है भरपूर का मतलब। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि जब प्रभु देते हैं तो नाप नाप के, थोड़ा थोड़ा करके, नियंत्रण करके नहीं, प्रभु मुझे और आपको जब देते हैं
तब वहां लिखा हुआ है परिपूर्ण करके देंगे। एक ग्लास में पानी परिपूर्ण कब होता है? जब आप ग्लास में पानी डालते जाते हैं, आधा हो गया तो परिपूर्ण हो गया क्या? जी नहीं। तीन चौथाई हो गया तो परिपूर्ण हो गया क्या? जी नहीं। जब ग्लास भर के ग्लास का पानी बाहर गिरने लगे, तब हम कहेंगे कि हाँ, ग्लास में पानी परिपूर्ण हो गया है। प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है कि प्रभु के जो बच्चे प्रभु के कहे अनुसार चलते हैं, जब मौका आता है वापस देने का, तब प्रभु उस व्यक्ति को दो चीजों से परिपूर्ण करते हैं। पहला है आनंद और दूसरी बात है शांति। यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु तुमको आनंद दे, यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु तुमको शांति दे। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुमको आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। मतलब इतनी शांति और इतना आनंद हमारे जीवन में प्रभु देते हैं कि वो हमारे जीवन से जिस तरह से भरे हुए ग्लास में से बाहर को पानी या दूध उमड़ जाता है, उस तरह से मुझे और आपको जो आनंद और शांति प्रभु देते हैं वो उमड़ कर सब जगह फैलने लगेगा। आपने इस तरह के लोग देखे हैं क्या, जिनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, बीमारी है, परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हमेशा खुश रहते हैं? ऐसे लोगों को आपने देखा है क्या? मैंने तो अपने जीवन में इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं, बल्कि मेरी असली ट्रेनिंग ऐसे व्यक्ति के साथ हुई थी। एमएससी करने के बाद मैं अपने दादाजी के साथ 3 साल रहा था। बस हमारा जो गांव है, उस गांव में हमारा अकेला बड़ा सा घर था, उसमें मैं और दादाजी अकेले रहते थे। दादाजी उस समय 80 साल से ऊपर के हो गए थे। उनको हमेशा हाथ के जो जोड़ हैं, घुटनों के जो दो जोड़ हैं, 24 घंटे उनको दर्द रहता था। लेकिन मैंने अपने सारे जीवन में इतना प्रसन्न चित्त व्यक्ति नहीं देखा। वो व्यक्ति जो 24 घंटे दर्द के साथ संघर्ष कर रहा है, रात को जब वो लेटते थे तो उनके पेट में भयानक दर्द होता था। वो एक बड़ा सा तकिया अपने बगल में रख कर सोते थे, और रात को जब दर्द भयानक दर्द होता था तो वो उस तकिए को कसकर पकड़ लेते थे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं था। ये मैं आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय आज के समान ना तो अस्पताल थे, ना डॉक्टर थे, ना ही आज की दवाएं थीं, और हमारा गांव अस्पतालों से इतना दूर था कि वहाँ एकदम से मदद ना मिल पाए। लेकिन मेरे दादाजी जो 24 घंटे इतना दर्द सहते थे, वो जीवन में हमेशा इतना खुश रहते थे, मुस्करा कर बात करते थे, हमेशा बड़ी आशा के साथ बात करते थे। उनका रहस्य क्या था? रहस्य यह था कि जीवन भर प्रभु के साथ चलने के कारण, जीवन भर प्रभु की निकटता में रहने के कारण, प्रभु ने उनका जीवन हर तरह के आनंद और शांति से परिपूर्ण कर दिया था। जब मैंने कहा कि घर में और कोई नहीं था, तो मेरा मतलब है कोई स्त्रियां नहीं थी। दादी जी बहुत पहले गुजर गई थी, बाकी जिनकी शादी होनी थी वो सब शादी होके जा चुके थे। बस हम दो प्राणी घर में थे। मैं तो खाना बनाना जानता नहीं था, दादाजी से खाना बनाया नहीं जाता था। पता नहीं हम लोगों ने वो 3 साल कैसे काटे, वो अलग कहानी है। लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, रात को 8 बजे प्रार्थना का समय होता था। दादाजी प्रार्थना करते थे, उनकी जिद थी कि मैं साथ में बैठूं। 45 मिनट प्रार्थना करते थे, अच्छे अच्छे सो जाते थे। मैं जाके उनकी प्रार्थना सुनता था। 8:45 पे उठ के पानी वानी पी के वो 9 बजे लेट लिए, लेटते ही उनको नींद आ जाती थी। उसके बाद रात को 2 बजे उठ जाते थे। उठकर 4 बजे तक वो घुटने पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उनके घुटने, वहाँ पे स्किन इतना मोटा हो गया था
कि हम बीच बीच में ब्लेड से उसे काटता था। 2 से 4 तक प्रार्थना करने के बाद फिर 1 घंटा लेट जाते थे, 5 बजे उठकर फिर 6 बजे तक प्रार्थना करते थे। 6 बजे उठकर वो कॉफ़ी बनाकर, ब्लैक कॉफ़ी बनाकर मुझे पिलाते थे, जिससे कि मैं वहाँ पास में ही नौकरी करता था, मैं नौकरी के लिए जा सकूँ। वो व्यक्ति प्रभु की निकटता में इतना समय बिताता था, मेरे दादाजी बिताते थे, कि उस प्रभु की निकटता के कारण प्रभु ने उनको इतना आनंद और उनको इतनी शांति दे दी थी और इतना भरपूर हो गया था कि उस व्यक्ति से बात करो तो दिन भर के सारे दुख और दर्द भूल जाता था। मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 3 साल थे जब मैंने अपने जीवन में ये पाठ अच्छी तरह से देखा कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु के निकट है तो सारे दुख और दर्द को भूलकर उसका जीवन आनंद और शांति से किस तरह से परिपूर्ण हो जाता है। प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है। आज शाम को जितने भाई और बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको ये 2 बातें हैं जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात, हम में से जो भी अपने जीवन में बलवान हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने से कमज़ोर लोगों का ख्याल रखें, उनकी कमज़ोरी को सहें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ना देखें, उस व्यक्ति की मदद करें। और जब हम इस तरह से करेंगे तब हम प्रभु के करीब हो जाएंगे, प्रभु के निकट हो जाएंगे। और जब हम इस तरह से प्रभु के निकट हो जाएंगे तो प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद हमको पूर्ण रूप से भरपूर कर देगा, लबालब भर देंगे, प्रभु हमको भर देंगे और वो बहकर उमड़ने लगेगा, बाकी लोग भी उसको देख सकेंगे, बाकी लोग भी आनंद प्राप्त करेंगे। एक तीसरी बात जो अक्सर मैं बताया करता हूँ, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आज संध्या इस सभा में यदि कोई भी भाई या बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचाना नहीं है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो पापी है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना 1 लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन शाश्वत जीवन पाए। वो शाश्वत जीवन आपको प्रदान करने के लिए प्रभु इस संसार में पधारे थे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक ये शाश्वत जीवन नहीं पाया है तो आज इस सभा के आखिर में मुझसे आकर बात कर ले या भाई जेफरी से आकर बात कर ले, हम इसके बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे, जिससे कि आपके जीवन में वही खुशी हो जो हम सबके जीवन में है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।